Morning guys, I am Manasha, Assistant Trainer in Dynamic Fusion of Skill Development. Today I am with my new topic, that is Vibration Training. Okay, इससे पहले एक वीडियो मैंने बनाया है नॉइस पर, नॉइस वाइब्रेशन लगभग साथ साथ आता है. सो वाइब्रेशन ट्रेनिंग, सो लेट्स मूव. व्हाट इज वाइब्रेशन? मैं बताऊँ, वाइब्रेशन दो तरह का होता है, हैंड आर्म वाइब्रेशन एंड होल बॉडी वाइब्रेशन. हैंड वाइब्रेशन का मतलब होता है कि जहाँ पर मशीन जो भी टूल्स है, मशीन इक्विपमेंट है, हम लोग बीइंग अ वर्कर स्टाफ जो भी काम कर रहे हैं या फिर अपने घर पर भी हम काम करते हैं, तो जो भी टूल्स और मशीन है उसमें सिर्फ हमारी हैंड एंड आर्म जो टच कर रहा है. ओके, एंड नेक्स्ट जो फुल बॉडी वाइब्रेशन, जहाँ पर हमारी पूरी बॉडी उस वाइब्रेशन मशीन पर है, जैसे व्हीकल्स हो सकते हैं. तो हैंड आर्म वाइब्रेशन HAV जिसे हम कहेंगे, इज अ कंडीशन कॉज बाय द रेगुलर एक्सपोजर टू द वाइब्रेटिंग एंड स्पेसिफिक टूल्स और वर्किंग विद द मेटल इन द कॉन्टैक्ट विद द ग्राइंडिंग और द कटिंग ऑपरेशन. हैंड आर्म वाइब्रेशन सिंड्रोम HAV इज रेफर्स टू डैमेज टू द मसल्स, जॉइंट्स, सर्कुलेशंस एंड नर्व्स इन द हैंड एंड आर्म कॉज बाय द HAV. सो हैंड आर्म वाइब्रेशन में जैसे बताया कि आप वो टूल्स वो इक्विपमेंट जो यूज कर रहे हैं, जहाँ पर आपका जो कॉन्टैक्ट हो रहा है वो हैंड और आर्म का हो रहा है टूल्स इक्विपमेंट से, तो HAV वो कहलाएगा, हैंड आर्म वाइब्रेशन. ओके, जैसे कि कटिंग हो गया, ग्राइंडिंग हो गया, इस तरह के ऑपरेशन होते हैं, यहाँ पर ड्रिलिंग हो गया. ओके, जो हैंड आर्म वाइब्रेशन होगा इसमें इसका नुकसान जो होगा, आपका जो मसल जॉइंट्स है वो कमज़ोर होगा, ब्लड सर्कुलेशन कम होगा, नर्व डैमेज होगा. ओके, अब आगे बात कर लें हम यहाँ पर इस होल बॉडी वाइब्रेशन WBV इज एक्सपीरियंस व्हेन द सिटिंग, स्टैंडिंग और लेइंग ऑन अ वाइब्रेटिंग सरफेस. फॉर एग्जाम्पल, फोर्कलिफ्ट ट्रक ऑपरेटर और ट्रैक्टर ड्राइवर मे बी एक्सपोज टू वाइब्रेटिंग वाइब्रेशन ऑफ द सीट, रिजल्टिंग इन द होल बॉडी वाइब्रेशन. सो होल बॉडी वाइब्रेशन इसलिए होता है जब आप खड़े होते हो, बैठे होते हो या सोए होते हो किसी ऐसे सर्फेस पर जो वाइब्रेशन कर रहा है, जैसे कि फोर्कलिफ्ट ट्रक होगी जब ऑपरेट होता है, ऑपरेटर ऑपरेट करता है, या फिर ट्रैक्टर होता है ना. सो वर्कर्स इन्फेक्टेड बाई द HAVs कॉमनली रिपोर्ट्स. जो वर्कर HAVs से, हैंड आर्म वाइब्रेशन से इफेक्टेड होते हैं, वो क्या रिपोर्ट करते हैं, उनमें क्या सिम्टम पाया जाता है? सो अटैक्स और द वाइटनिंग, उनकी जो फिंगर्स हैं वो वाइटनिंग होने लगते हैं. ओके, टिंगलिंग एंड द लॉस ऑफ सेंसेशन इन द फिंगर्स. तो जो फिंगर्स उसमें झंझनाहट होगी या फिर लॉस ऑफ सेंसेशन होगा, लाइट टच होन महसूस नहीं करेंगे. ओके, पेन एंड कोल्ड सेंसेशन बिटवीन द पेरिओडिक वाइट फिंगर अटैक्स. जब भी वाइट फिंगरिंग अटैक्स होगा तो पेन एंड कोल्ड फील होगा, लॉस ऑफ ग्रिप स्ट्रेंथ, ग्रिप आप किसी भी चीज़ को ग्रिप नहीं ले पाएंगे, और किसी भी जैसे लेस सपोज ग्लास या फिर कप कप लेंगे तो वो वाइब्रेट कर हिलता रहेगा, आपके आर्म्स हिलते रहेंगे. बोन सिस्ट इन द फिंगर एंड रिस्ट, बोन सिस्ट भी हो सकता है, फिंगर एंड रिस्ट में बोन सिस्ट होगा. एंड अगर हम बात करें द डेवलपमेंट ऑफ द HAV, हैंड आर्म वाइब्रेशन सिंड्रोम, इज द ग्रेजुअल एंड इंक्रीज इन द सेवरिटी ओवर टाइम. इट मे टेक अ फ्यू मंथ टू सेवर ईयर्स फॉर द सिम्टम्स ऑफ HAVs बिकम क्लिनिकली नोटिसेबल. ओके, सो हैंड आर्म वाइब्रेशन सिंड्रोम जो है वो ग्रेजुअली होता है, अक्यूट नहीं, ग्रेजुअली है. इसमें महीने लग सकते हैं, साल हो सकते हैं. ओके, बट ही होगा जरूर अगर हम इस तरह के मशीन के साथ काम कर रहे हैं, कंट्रोल मेजर नहीं कर रहे हैं तो. हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ द होल बॉडी वाइब्रेशन की बात करें, होल बॉडी वाइब्रेशन कैन कॉज फटीग, इंसोमेनिया, शॉर्टनेस ऑफ स्लीव, स्टमक प्रॉब्लम्स, हेडेक एंड द सिकनेस, शेकनेस शॉर्टली आफ्टर द डूइंग एक्सपोजर. सो होल बॉडी वाइब्रेशन की अगर बात करें, उससे क्या क्या होगा, क्या लेवल वर्कर्स शिकायत करती है? सो फटीग होगा, थक जाएंगे वो, इंसोमेनिया यानी अच्छे से नींद नहीं आएगी, स्टमक प्रॉब्लम होगा, अल्सर हो सकता है, हेडेक हो सकता है, बॉडी शेकनेस, बॉडी हिलेगी, पूरी बॉडी हिलेगी. आप ध्यान से अगर सोचिए तो जैसे आप लॉन्ग जर्नी करके आते हैं ट्रेन से ना, तो कुछ समय बाद जब आप ट्रेन जर्नी खत्म हो जाती है, अपने घर पहुंच भी जाते हैं कुछ समय बाद, या आप सोते हो या बैठते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि अभी भी आप ट्रेन पे हो, तो बॉडी आपकी शेक कर रही है. तो ऐसा होता है एक दिन में आप जब ट्रैवल करते हो. जो लोग रेगुलर काम करते हैं, सोचो आप उनके साथ क्या होता होगा. सो हम कंट्रोल की बात करें, वाइब्रेशन को कैसे कंट्रोल करें, थ्रू द एंटी वाइब्रेशन टूल्स हम कंट्रोल किया जा सकता है. टूल्स कैन बी डिजाइंड और माउंटेड इन द वेज डेट हेल्प रिड्यूस द वाइब्रेशन लेवल. फॉर एग्जाम्पल, यूजिंग एंटी वाइब्रेशन चेन शॉ रिड्यूस द एक्सलेशन लेवल्स बाय द फैक्टर ऑफ अबाउट 10. दिस टाइप्स ऑफ चेन शॉ मस्ट बी वेल मेंटेन. सो बहुत सारे मार्केट में एंटी वाइब्रेशन टूल्स आ चुके हैं, उसको यूज किया जा सकता है, और बहुत सारे मशीनें मार्केट में भी हैं और एंटी वाइब्रेशन टूल्स है, जहाँ पर जो वाइब्रेशन है
वो कम हो गया है, रिड्यूस हुआ, या फिर ना के बराबर है। ओके, एंड एंटी वाइब्रेशन ग्लव्स यूज किया जा सकता है। नॉर्मली हम क्या यूज़ करते हैं, कॉटन ग्लव्स, लेदर ग्लव्स यूज़ करते हैं, बट नहीं, इसकी जगह पर एंटी वाइब्रेशन ग्लव्स यूज करें जो कि स्पेशल विस्कोइलास्टिक मटेरियल का बना होता है। उसे यूज करने से क्या होगा, उसका जो रिड्यूस होता है उसका वाइब्रेशन हाथों पर असर कम होता है। सो एंटी वाइब्रेशन ग्लव्स आर मेड यूजिंग अ लेयर ऑफ विस्कोइलास्टिक मटेरियल। इट ऑफर लिटिल प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डेवलपिंग वाइब्रेशन इंड्यूस्ड बाय द व्हाइट फिंगर सिंड्रोम। सो व्हाइट फिंगर सिंड्रोम से बचाता है, वाइब्रेशन से बचाता है। सो इस तरह से एंटी वाइब्रेशन ग्लव्स प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। और कुछ बात कर लें से वर्क प्रैक्टिसेस की। सो अलॉन्ग विद द कॉजिंग एंटी वाइब्रेशन टूल्स एंड ग्लव्स, वर्कर्स कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ हैंड ऑन वाइब्रेशन सिंड्रोम्स बाय द फॉलोइंग वर्क प्रैक्टिसेस। कुछ वर्क प्रैक्टिसेस हैं, इसके थ्रू वर्कर्स का एचईवीएस का जो सिंड्रोम है वो कम किया जा सकता है। सो वियर सफिशियंट क्लोथिंग इंक्लूडिंग अ ग्लव्स टू कीप द वार्म। तो बॉडी में सफिशियंट क्लोथिंग पहने, पूरी बॉडी में क्लोथ हो, सफिशियंट हो, और एंटी वाइब्रेशन ग्लव्स यूज किया जाए। अवॉइड कंटिन्यूस एक्सपोजर बाय द टेकिंग रेस्ट्रेयर्स। सो कंटिन्यू काम ना करें, 2 से 2.5 घंटे के बाद एक रेस्ट बहुत ज़रूरी है कंटिन्यू, और वो रेस्ट ज़रूरी है ताकि जो उसका असर है वो कम किया जा सके। रेस्ट द टूल्स ऑन द वर्क पीस वेन एवर प्रैक्टिकल। सो यस, इक्विपमेंट को, टूल्स को भी रेस्ट दिया जाए, एंड पॉल्टी टूल्स को यूज़ ना करें क्योंकि पॉल्टी टूल्स ज़्यादा वाइब्रेट करता है। एंड मेंटेन प्रॉपरली शार्प कटिंग टूल्स, जो भी टूल्स कटिंग टूल्स है, ग्राइंडिंग टूल्स है, वो शार्प हो। अगर वो शार्प नहीं होता तो आप देखेंगे, आप जब अगर घर में आप अगर किचन में काम कर रहे हैं तो द नाइफ या फिर आप शेविंग कर रहे हैं, अगर ब्लेड आपका शार्प नहीं तो आप ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं, आपका ग्रिप ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो इसी तरह से अगर कटिंग किया जा रहा है, ग्राइंडिंग किया, ड्रिलिंग किया जा रहा है, अगर वो शार्प नहीं है तो ज़्यादा प्रेशर लगाने से वाइब्रेशन ज़्यादा बॉडी में ऑब्जर्व होता है। ओके, सो कंसल्ट अ डॉक्टर एट फर्स्ट साइन ऑफ द वाइब्रेशन डिजीज एंड आस्क अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ द चेंजिंग टू अ जॉब विद द लेस एक्सपोजर। सो ये क्या जा सकता है कि वर्कर्स को अगर कभी भी सिंड्रोम ऐसा दिखता है अर्ली स्टेज में, वो डॉक्टर से कंसल्ट करे अपने, अगर वो बाहर कंसल्ट करना चाहते हैं अदरवाइज सुपरवाइजर को और अपने इंजीनियर को, फॉरमैन को, सेफ्टी डिपार्टमेंट को जरूर बताएं। अब बात कर लें कंट्रोलिंग एक्सपोज टू वाइब्रेशन है, कुछ मेडिकल टेस्ट की। मेडिकल टेस्ट ज़रूरी है और ये किसी भी डिपार्टमेंट में, साइट पर, प्लांट में 3 बार होता है, बिफोर एम्प्लॉयमेंट, ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट एंड आफ्टर द ट्रायमेंट। सो डू प्री एम्प्लॉयमेंट स्क्रीनिंग, डू रूटीन मेडिकल चेक, प्रेडिक्टिव चेक, प्रेडिक्टली इसको मेडिकल चेक करना जरूरी है। ऑडियोमेट्रिक हमने बात की थी, नॉइस में ऑडियोमेट्रिक टेस्ट करें। उसी तरह से यहाँ पर वाइब्रेशन की भी सिंड्रोम अगर मिलता है तो चेक करें। रिकॉर्ड ऑल साइन एंड रिपोर्ट सिम्टम्स, वार्न वर्कर्स विद द एपरेंट प्रेडिस्पोजिशंस। सो जो भी मेडिकल रिपोर्ट आता है उसको रिकॉर्ड करें और वर्कर्स को बताएं कोई चेंजेस आता है उसके बॉडी में, ताकि वो अपना कंट्रोल कर सके वक्त रहते हुए। होल बॉडी वाइब्रेशन की बात करें तो टू रिड्यूस होल बॉडी वाइब्रेशन एक्सपोजर, होल बॉडी वाइब्रेशन को अगर कंट्रोल करने की बात हो तो क्या क्या हमें करना चाहिए। लिमिट द टाइम स्पेंड बाय द वर्कर्स ऑन अ वाइब्रेशन सरफेस। तो वर्कर्स का अगेन सेम जो एचईवीएस में हमने बात की थी कि टाइम जो है वो जो वर्किंग टाइम है वो कम करें, रेस्ट आवर्स बढ़ाएं। मैकेनिकली आइसोलेट द वर्किंग सर्फेस टू द सोर्सेस और सरफेस टू द रिड्यूस एक्सपोजर। सो मैकेनिकली आइसोलेट करें जहाँ पर वाइब्रेशन से अच्छी क्वालिटी की सीट अगर होती है तो वाइब्रेशन कम होता है। जैसे मैंने अभी आप फील किया होगा, अगर ऑल्टो आप में बैठे हैं, आप जेन में बैठे हैं तो उसका वाइब्रेशन है, लेकिन एक जहाँ पर आप एक एसयूवी में बैठे हों उसका जो वाइब्रेशन है, दोनों में बहुत फ़र्क है। तो वो एक अच्छा तरीका है वाइब्रेशन को कम करने का। इंश्योर डेट इक्विपमेंट इज़ वेल मेंटेन टू अवॉइड एक्सेसिव वाइब्रेशन। वाइब्रेशन से बचने के लिए भी ज़रूरी है कि इक्विपमेंट का मेंटेन करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई स्क्रू, कोई नट ढीला है, मिसिंग है, तो फिर वाइब्रेशन होगा। इंस्टॉल वाइब्रेशन डैम्पिंग सीट, बहुत ज़रूरी डैम्पिंग सीट वाइब्रेशन से बचने के लिए। जहाँ पर मशीन काम कर रही है वहाँ पर वाइब्रेशन करती है तो वहाँ पर एक डैम्पिंग सीट लगाएं, या फिर आप इसे नॉर्मल भाषा में कह सकते हैं कि स्प्रिंग सिस्टम पैड, स्प्रिंग पैड लगाएं ताकि उसका सरफेस से टच ना हो और इसके से वाइब्रेशन रिड्यूस हो। रिपोर्ट एक्शन, असेस द वाइब्रेशन रिस्क टू एम्प्लॉइज। तो असेसमेंट करना बहुत जरूरी है। सो डिसाइड इफ दे आर लाइकली टू एक्सपोज अबव द डेली एक्सपोजर एक्शन वैल्यू या फिर और एक्सपोजर लिमिट वैल्यू। सो जरूरी असेसमेंट करना और हमें पता लगाना कि ए बी एंड ई एल वी पर काम करना। सो हम बात करेंगे ए बी एक्सपोजर एक्शन वैल्यू एंड एक्सपोजर लिमिट वैल्यू। इफ एम्प्लॉइज आर लाइकली टू बी एक्सपोज अबव द ए बी, एक्सपोजर एक्शन वैल्यू से अगर ज़्यादा है, ओके, जो वैल्यू लिमिट है दिया गया उससे ज़्यादा है,
इंट्रोड्यूस अ प्रोग्राम ऑफ कंट्रोल्स टू लिमिट द रिस्क। ऑफकोर्स प्रोग्राम में हमें करना चाहिए ताकि मेडिकल टेस्ट हो या फिर वर्कशॉप हो ताकि वाइब्रेशन कम हो, उसका असर कम हो चेबी का या होल बॉडी वाइब्रेशन का। प्रोवाइड हेल्थ सर्विलेंस, रेगुलर हेल्थ चेकअप्स दोज एम्प्लॉयज हु कंटिन्यू टू बी रेगुलरली एक्सपोज। तो यस, हेल्थ चेकअप्स कैंप लगा कर जरूर आप चेक करें। अब बात कर लेते हैं अगर ELB की। ओके, सो इफ एम्प्लॉयज आर लाइकली टू बी एक्सपोज अबाउट द ELB, टेक इमीडिएट एक्शन टू रिड्यूस देयर एक्सपोजर बिलो द लिमिट वैल्यू। अगर ज़्यादा लिमिट से क्रॉस करके वो काम कर रहे हैं, उनके असर दिख रहा है, तो लिमिट वैल्यू कम करें हम। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन स्ट्रक्चर एंड ट्रेनिंग ऑन अ हेल्थ रिस्क एंड एक्शन टेकन टू द कंट्रोल दोज रिस्क IITS। ओके, सो इन्फॉर्मेशन स्ट्रक्चर ट्रेनिंग एंड सुपरविजन इंप्रूव करें और ताकि जो वर्कर्स पे जो उसका सिंड्रोम है उसका असर कम हो और रेगुलर हेल्थ चेकअप्स जरूर हो। सो दीज आर द कंट्रोल मेजर्स ऑफ द वाइब्रेशंस। सो अगेन आपको समझ में आया होगा, और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे जरूर इनबॉक्स करें। एंड सुबह हो चुकी है, 4 बज चुका है और मुझे लगता है मुझे अब सोना चाहिए। ओके, नमाज पढ़ के। सो थैंक यू गाइज, आपने सुना मुझे और वीडियो को देखा, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सो यस, फॉर द माई नेक्स्ट वीडियो, स्टे सेफ। थैंक यू।